अपना परिचय देना चाहूंगा दोस्तों। मेरा नाम सुरेश श्रीवास्तव, भोपाल से हूं मैं, डबल यूनिवर्सल क्राउन एक्टर, साथ में जो हमारे धमाकेदार वारियर्स ग्रेविटी है, हमारा जो वारियर्स ऐप है, हमारा जो वारियर्स ग्रुप है, उसमें मैं पीआरओ, आप सबके सहयोग से, वारियर्स मैनेजमेंट के सहयोग से मैं पीआरओ भी हूं साथ में। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरा जो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं यहां पे, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं वारियर्स मैनेजमेंट को देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये पहली बार अवसर मिला है कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं। तो दोस्तों, कहानी तो हम लोग बहुत सुनते हैं, हम किसी और की कहानी क्यों सुने? क्योंकि वारियर्स जो होता है वो एक योद्धा होता है, और योद्धा उसको बोलते हैं, हम वारियर्स उसको बोलते हैं जिसकी लाइफ में कोई कहानी होती है। जैसा आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, शिवाजी महाराज, इन लोग की जो कहानियां थी आज भी हम लोग याद है हमें, और हमारे बचपन से लगा के अभी तक हमारे को सुनाई जाती है, और हम लोग उसको सुन के उससे प्रेरणा लेते हैं, उससे प्रेरित होते हैं, और उसमें जोश आ जाता है। तो आज मैं भी ऐसे ही एक महायोद्धा की कहानी आपके साथ में लेके आ रहा हूँ, ताकि आपके अंदर भी वो आग पैदा हो जाए जो उस योद्धा के अंदर थी, उस योद्धा के अंदर है और आगे भी रहेगी। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले भगवान का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैं वेस्टिज परिवार में हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ वारियर्स मैनेजमेंट का, सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने वेस्टिज के मैनेजमेंट का, कि जिनके कारण आज मैं इतने सारे लोगों के बीच में इतने प्यार के साथ में मैं आप लोग से मुलाकात कर रहा हूँ, आप लोग से बातचीत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं एक कहानी ऐसे योद्धा की सुनाने जा रहा हूँ, जो उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँ, उनका नाम है बनारसी बाबू। बनारसी बाबू, हाँ आपने सही सुना है, बनारसी बाबू ही बोल रहा हूँ मैं। ये बनारसी बाबू इलाहाबाद और बनारस के पास के छोटे से गांव के रहने वाले हैं। बचपन से ही काफ़ी बड़ी सोच थी इनकी, बड़े बड़े ड्रीम थे, सब कुछ था, एक भरा पूरा परिवार है, उस परिवार के साथ में अच्छे से जिंदगी जी रहे थे। लेकिन दिमाग में हमेशा वही चलता था कि कुछ करना है, कहीं निकलना है, बाहर जाना है, बड़ा करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। साथ में परिवार, बड़ा पूरा परिवार, उसकी जवाबदारी भी साथ में थी। उन दोनों को तालमेल करते हुए ये जो बनारसी बाबू है हमारे, इनको किसी ने बताया कि जी तुम्हारे इतने बड़े सपने, जो तुम चाहते हो कि कभी कुछ सेलिब्रिटी बनना है, कुछ बड़ा हीरो बनना है, या बड़ा कुछ करना है तुम्हें, पैसा बड़ा कमाना है, तो यहाँ पे जगह आपके लिए छोटी पड़ेगी। तो इनके दिमाग में आई, और ये अपने भोरी बिस्तर लेके सीधे बैठे ट्रेन में, सीधे पहुँच गए बॉम्बे। तो दोस्तों, बॉम्बे बहुत लोग आते हैं, आपने भी सुना होगा कि बॉम्बे आते तो बहुत हैं, लेकिन सफल कुछ ही लोग होते हैं। वो सफल वो योद्धा होता है, वो लोग होते हैं जिसके अंदर जान होती है, जिसका जज्बा होता है, जिसके अंदर पैसेंस होती है, जिसके अंदर जोश होता है, जिसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता होती है, वो ही सफल होता होता जरूर है। आपने कितनी बार फिल्मी दुनिया में देखा होगा कि लाखों लोग रोज आते हैं, पता नहीं क्या होता है, लेकिन स्ट्रगल बहुत करते हैं। कोई ट्रेन के अंदर सोता है, कोई प्लेटफॉर्म पे सोता है, कोई कहाँ सोता है, कैसे कैसे उन लोगों ने करा, लेकिन डटे रहे, और कभी ना कभी आपने देखा होगा कि वो तो बहुत बड़ा स्टार बन गया, बहुत बड़ा हीरो बन गया, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, या बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया। तो उसके पीछे की कहानी आपको पता नहीं होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि सामने का जो होता है ना उजाला वो दिखता है, लेकिन उसके बैक का अंधेरा बहुत कम लोग को दिखता है। तो मैं ये योद्धा का बैकग्राउंड भी बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इनसे काफ़ी कनेक्ट करता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में इनका बहुत बड़ा रोल है, मेरी सफलता में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं उस योद्धा को भी धन्यवाद पहले से देना चाहता हूँ कि उनके कारण मेरा और मेरे परिवार में बहुत कुछ परिवर्तन आए। तो थैंक यू मेरे योद्धा, हमारे बनारसी बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जब वो बॉम्बे आए तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, जॉब भी करा, ऑटो भी चलाया, टैक्सी भी चलाई, सब कुछ करा कि कहीं ना कहीं सफलता मिल जाए, अपना जीवन यापन करने के लिए करते रहते थे। कई मुसीबतों का सामना पड़ा। आप सोच सकते हो कि एक 20 साल का 22 साल का लड़का इलाहाबाद से बॉम्बे आता है, और यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पहचान की नहीं, कोई दोस्त नहीं है, रहने की प्रॉब्लम है, खाना तो कहीं भी खा सकते हो आप बॉम्बे में, लेकिन रहने की बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन डटे रहे वो, और बिल्कुल जोश कम नहीं होने दिया, कभी चेहरे पर शकुन तक नहीं आने दी कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। एक ही लक्ष्य था, एक ही टारगेट था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बड़ा करना है। कई बार, कई रातें उन्होंने हॉस्पिटल में गुजारी दोस्तों,
आप सोच सकते हो, अभी थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आ जाता है हमारी लाइफ में तो हमारी डाउनलाइन हमको बोलती है या अपलाइन से हम लोग बोलते हैं और लड़ने लग जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जरा जरा सी समस्या हम लोग उसको बहुत हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन उस बंदे ने इतना संघर्ष करा, कई लोगों ने बोला कि आप नौकरी करने से अच्छा है कोई डायरी सेलिंग कंपनी कर लो, उन्होंने उसमें भी हाथ पैर कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, सफलता मिली, लेकिन उनका टारगेट बहुत बड़ा था, एक मल्टी लेवल बड़ी डायरी सेलिंग कंपनी में भी मेहनत करी लेकिन वहाँ भी सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने तो सफलता चाहिए ही थी, किसी भी कीमत पर चाहिए ही थी, कोशिश करते रहे। लेकिन जब कहते हैं कि आप यदि प्रयास करते रहोगे तो ऊपर वाला ईश्वर देखता है और कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर आपकी लाइफ में आता है कि आप अपने जो ड्रीम को पूरे कर सकते हो, अपने सपनों को पूरे कर सकते हो। उनके भी लाइफ में एक बार ऐसा मौका आया, बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे, परिवार को भी लेके आ गए थे साथ में, बड़ा परा परिवार था, बहन भाई भतीजे और भांजे सब सबको ले आए बॉम्बे, और सबकी जवाबदारी अपने कंधों पर ले ली, वो पूरे परिवार के मुखिया बन गए, धुरी बन गए कि अपना तो प्रॉब्लम पहले से ही चल रहा है, बाकी परिवार को भी लेकर साथ में चलना है। जो मैं लाइफ में देखता हूँ कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो केवल अपना और अपने बच्चे और अपने मिसेस के बारे में और अपना छोटे से परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदार हैं उनके बारे में कम सोचते हैं। लेकिन ये योद्धा ने पूरा कंधा अपने जो था अपने कंधे पर लेके और उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाया दोस्तों। तो सफर चालू हो रहा था, बहुत कुछ खर्च करने के लायक पैसे आ रहे थे, सब कुछ अच्छा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उनका दिमाग कहीं उंगट ही रहता था। कभी सोचते थे मैं फिल्मी दुनिया में हीरो बन जाऊं, तो कहीं अमिताभ बच्चन के घर के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं जैकी श्रॉफ के घर के चक्कर लगा रहे हैं, कोई डायरेक्टर के घर के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन क्या है कि सभी तो हीरो बन नहीं सकते, तो अब क्या करें, सेलिब्रिटी बनना था, कुछ बड़ा करना था। तो एक बार ऐसे ही परेशान हो गए, घर में कुछ भी था नहीं, पैसा नहीं थे, कुछ नहीं था, तो इनकी महिला सहयोगी थी एक, उन्होंने इनकी मदद करी दोस्तों। क्योंकि दोस्त भी जिंदगी में मिल जाए ना, कभी एक दोस्त अच्छा भी मिल जाए तो आपकी लाइफ में परिवर्तन आ जाता है। उन्होंने उनकी मदद करी और जैसे तैसे उन्होंने कुछ दिन बड़ी मुसीबत से गुजारे दोस्तों, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हौसला। उनके दोस्त, दो दोस्त उनके थे, एक महिला दोस्त एक पुरुष दोस्त, दोनों ने भी साथ में मदद करी, तीनों चारों मिलके, भाई लोग मिलके संघर्ष करते रहे बॉम्बे में, कुछ मेहनत करते रहे, रात और दिन नहीं देखते थे, कहाँ ट्रेनों में सफ़र करते थे, कहीं बस में सफ़र करते थे। कई बार ऐसा मौका आया कि उन्होंने पैदल तक चला, किलोमीटरों से पैदल चला, एक एक कप चाय पी के दिन भर मीटिंग प्रोग्राम करते रहते थे, क्योंकि पैसा ज़्यादा था नहीं, लेकिन अपने ड्रीम के पीछे कभी नहीं छोड़ा था, अपनी सोच को कभी उन्होंने छोटा नहीं होने दिया, बड़ी सोच के कारण ही आज मैं उनकी कहानी सुना रहा हूँ दोस्तों। तो ऐसे बहुत ज़्यादा एक दिन बहुत परेशान थे, परेशान होते होते वो एक बार हमारे सिद्धि विनायक मंदिर, गणेश जी का मंदिर है बॉम्बे में, वहाँ जाके दर्शन करने गए और ईश्वर से बोला, सच्चे दिल से यदि आप प्रार्थना करो कि ईश्वर कुछ ना कुछ मुझे रास्ता दो, कुछ ना कुछ मुझे करो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकूं और मेरे जो सपने हैं, मेरे परिवार का जो सपना है, उनको मैं पूरा कर सकूं। जैसे ही भगवान के दर्शन किए, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और जैसे ही बाहर निकले तो वहाँ पर एक साधु महात्मा बैठे हुए थे, बहुत ही अच्छे मतलब ज्ञानी, मतलब बहुत ही पहुँचे हुए साधु थे वो। जब वहाँ से बोला, गुरुजी नमस्कार, मुझे कोई रास्ता बताइए। बोल बेटे, क्या चाहिए तुझे, क्या परेशानी है, क्या नहीं है, क्या करना चाहता है? तो बोला, मैं आया हूँ इतनी दूर से, इलाहाबाद से बॉम्बे आया हूँ, काफ़ी मैंने मेहनत कर ली है, सफलता मिल नहीं रही है, थोड़ी बहुत सफलता मिल रही है, आती है चली जाती है, परिवार का भी जवाबदारी है साथ में है, तो आप ही कुछ रास्ता बताओ। बोलो बोल क्या क्या चाहिए। वो किस्मत से वो बहुत ही पहुँचे हुए संत मिल गए उनको। तो दोस्तों वहाँ से उन्होंने साधु जी से जब बातचीत की तो बोला, सर साधु महाराज जी, गुरु जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है ताकि मैं कोई बड़ा बिजनेस कर सकूँ। तो बोला, बस इतनी सी बात है? बोला, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आज के बाद आपको बिगर पैसे लगाए भी सब कुछ मिलेगा जो आप सोच रहे हो, आपके पास कोई बजट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला, और बोल, ये हो जाएगा तुम्हारा काम, तथास्तु बोल दिया मैंने, हो जाएगा। बोला, इसके बाद मुझे ऐसा काम चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए कि जिसका बोस मैं खुद रहूं, मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, मैं इतनी दूर आया हूं तो किसी के यहां पे नौकरी गुलामी करने के नहीं आया हूं, मैं अपने ड्रीम अपने दम पे पूरा करना चाहता हूं और अपनी मतलब मेरा खुद का बोस मैं रहूं, मेरे को कोई टोकने वाला नहीं हो, मुझे कुछ बोलने वाला नहीं हो, क्योंकि मैं अपने मर्जी का मालिक हूं और मैं करके भी दिखाना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। बोला, तथास्तु,
आपका ये काम भी हो गया। आज के बाद कभी भी आपकी जिंदगी में दोबारा कोई बॉस नहीं आएगा, आप अपनी जिंदगी का खुद मालिक बनोगे। और बोलो, और कुछ तो नहीं है? बोला नहीं, अभी तो है, अभी तो चालू हुआ है, अभी मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप आशीर्वाद ही दे रहे हैं तो अच्छे से ही दो। बोला बोल बेटे बोल, कोई दिक्कत नहीं, आज मैं भी अच्छे मूड में हूँ और बढ़िया आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। तो बोला ठीक है सर, आपने पैसे भी नहीं है मेरे पास, काम का भी आपने बता दिया है, मेरे पास है जो स्वयं का मैं बोझ भी बन गया हूँ, ये भी मेरे आपने आशीर्वाद मुझे दे दिया है, पर अभी मेरी एक और इच्छा है। बोला बोलो क्या इच्छा है? बोला मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं वहाँ पे काम करना चाहूँगा जहाँ पे मेरे को अच्छा लगे, मैं उस जगह पे उस शहर में काम करना चाहूँगा जहाँ मुझे अच्छा लगे, मैं उन लोगों के साथ करना चाहूँगा जो मुझे पसंद आए। जैसे कि मेरे को गोवा पसंद है, मुझे बॉम्बे पसंद है, मुझे यूपी पसंद है, मुझे मध्य प्रदेश पसंद है, गुजरात पसंद है, मुझे है छत्तीसगढ़, जहाँ भी मेरे लोग हैं मैं अपनी मर्जी से वहाँ काम करना चाहूँगा। बोले तथास्तु, वो भी आपका पूरा हो गया, आप जहाँ चाहें जिस शहर में जिस देश में चाहें जिस कंट्री में चाहें वहाँ पे आपके अनुसार आप करो, चलो ओके आगे बढ़ो। और क्या कुछ है? और बोला हाँ अभी तो दो तीन चीज़ें और भी बाकी है। बोले बताओ ये जल्दी जल्दी बताओ। तो बोले ये सब तो ठीक है लेकिन समय भी मैं अनुसार करूँगा, क्योंकि मुझे जल्दी उठना कभी दिक्कत आती, मैं अपनी मर्जी का मालूम, मैं रात को भले 2 बजे तक मुझे काम करवा लेना, दिन में भी मैं काम कर सकता हूँ, 24 घंटे का 28 घंटे काम कर सकता हूँ, लेकिन समय मैं अपने अनुसार चॉइस करूँगा कि मुझे कब करना है, सुबह करना है या शाम करना है, रात में करना है या दिन में करना है, जब भी मेरी इच्छा होगी। बोला ये भी तथास्तु, तुम अपने हिसाब से करना, जब भी आपको समय मिले तब आप कर सकते हो। और क्या है? बोलो आगे बताते जाओ जल्दी जल्दी। और कुछ तो नहीं बचा है? बोला नहीं अभी है। बोला बोलो क्या बात है? बोले मुझे जो इनकम है ना, अनलिमिटेड इनकम चाहिए। मैं जब आया हूँ मेरे बहुत बड़े सपने हैं, मैं छोटी मोटे 1,000, 10,000, 15,000 तो मैं इलाहाबाद में ही कमा लेता या कोई और में कमाता ही था। 30,000 रुपये मुझे तो पहले ही मिलते थे दूसरी कंपनी में, पर मुझे उससे नहीं होता, मुझे ज़्यादा चाहिए। कितनी ज़्यादा चाहिए? बोला अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कितनी? करोड़ों में, लाखों में? बोला मुझे कम से कम, अभी तो मेरा यही सोच है कि मैं करोड़ों की बात करता हूँ, मुझे करोड़ 1-2 करोड़ रुपये तो चाहिए ही चाहिए मुझे, ताकि मैं अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकूँ और लोगों की मदद कर सकूँ। बोला तथास्तु, ये भी हो जाएगा आने वाले टाइम में। और बोलो आगे कुछ बाकी है? बोला बस पैसा तो आ ही गया, अब एक हाथ कार भी चाहिए। बोला कार भी मिल जाएगी? नहीं कार वो नहीं, मतलब छोटी मोटी आप पहले दे दो मुझे, चलेगा, लोगान लोगान से भी काम चला लूँगा, लेकिन थोड़े दिन बाद मुझे बड़ी गाड़ी, ऑडी है, जगुआर है, BMW, ऐसी गाड़ी चाहिए। बोला ये बड़ी गाड़ी चाहिए? बोला हाँ बिल्कुल ऐसी गाड़ी चाहिए, ये छोटी मोटी तो आप दे दो मैं काम चला लूँगा, लेकिन मेरे को आने वाले समय में तो बड़ी गाड़ी ही चाहिए। बोला ये भी तथास्तु, आपको बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी, ऑडी मिल जाएगी, जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। और बोलो और कुछ तो नहीं बचा? हो गया ना पूरा, सब कुछ तो हो गया? बोला नहीं, अभी जो पैसा इतना आ गया है, कार आ गई है, सब कुछ हो गया है, तो साथ में मुझे शादी आदि भी तो करना है, तो मुझे ऐसी शादी चाहिए, ऐसी मेरी सहयोगी चाहिए, ऐसी मेरी जीवन साथनी चाहिए जो कि मेरे नेचर से मिलती जुलती हो, मेरे बिजनेस में जो भी मैं करना चाहूँ, जो भी आपने आशीर्वाद दिया उसको 4 गुना बढ़ा दे, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड हो, मुझसे ज़्यादा सुंदर हो। तो बोला इसको भी ये भी चाहिए क्या? बोला ये तो तुमने बताया नहीं। बोला नहीं नहीं वो तो उसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मैं अकेला कब तक करूँगा। बोला तथास्तु, तुम्हें ऐसी ही एक सहयोगी पत्नी मिलेगी जो आपसे भी ज़्यादा तेज होगी, एकदम ज्वाला होगी, पूरी आग लगा देगी पूरे हिंदुस्तान में, आपसे भी ज़्यादा एजुकेटेड होगी, आपसे ज़्यादा स्मार्ट होगी, और आपको हर रात और दिन जहाँ भी जाओगे 24 घंटे साथ रह के आपकी मदद करेगी। तथास्तु, ये भी हो गया, चलो और कुछ बाकी? बोला और है थोड़ा सा। बोला क्या? बोला मुझे साल में कम से कम 1 या 2 बार तो हम लोग विदेश यात्रा जा सकते हैं। बोला ये भी तथास्तु, आपको साल में 2 बार विदेश यात्रा भी दिया हमने, और क्या चाहिए? बोलो चलिए सर, विदेश यात्रा हो गया, सब कुछ हो गया है, साथ में मेरा एक ही, जब इतना आप कुछ कर ही रहे तो मेरा जो जन्मदिन आएगा, मेरा बर्थडे आएगा, तो मैं अपने परिवार के साथ तो मनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जब बर्थडे आए तो पूरे हिंदुस्तान में उसको पूरा ऐसा प्रोग्राम कुछ अरेंज हो जाए हमारे साथी लोग के द्वारा कि हम मेरा बर्थडे भी सबके साथ में मन जाए। बोला ये भी तथास्तु, ये काम भी हो गया तुम्हारा, और बोलो आगे क्या बोल सकते हो? चलिए
सब कुछ हो गया, आपका जन्मदिन भी मना लिया, अब तो कुछ बचा नहीं है, शादी भी हो गई है, मकान भी आ गया है, पैसा भी आ गया है, सब कुछ हो गया, अब तो क्या चाहिए लाइफ में? और चाहिए सर, मेरे परिवार की सिक्योरिटी भी चाहिए कि खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, मेरे भतीजे भांजों का, मेरा मौसा मौसी जी का, मेरे भाई लोग का, मेरे दोस्तों लोग का, जो उन सबका क्या हो सकता है? जो मेरे को इनकम आ रही, क्या ये मेरे साथ आप ऐसा आशीर्वाद है कि मेरे बाद मेरे बच्चों को भी, मेरे परिवार को भी बढ़ते क्रम में मिले? बोला ये कैसे हो सकता है? बोला वही तो आपसे आशीर्वाद देना। बोला चलो वो भी मैं आशीर्वाद देता हूँ आपको कि ये भी आपका आज से पूरा हो जाएगा कि आपके बाद जो भी इनकम, जो भी मान सम्मान, जो भी ओहदा, जो भी आपको मिल रहा है, वो सबका सब आपके परिवार को पीढ़ी दर मिलेगा, उनके बच्चों को भी मिलेगा, चलो उनके बाद उनके बच्चों को भी मिलेगा, 7 पीढ़ी तक का तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ये आपकी इनकम बढ़ते क्रम में जाएगी, करोड़ों में, अरबों में चली जाएगी। और बोलो और कुछ तो नहीं, अब तो बहुत हो गया है, आपने बहुत आशीर्वाद ले लिया मुझसे। बोला बस आते जाते एक और बोलना है। बोला बोलो अब क्या बाकी रह गया है? तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ क्योंकि मैं खुद एक्साइट हो गया कि इतना सब कुछ मिल गया है साधु महाराज से। चलिए तो आगे बोला, मुझे नाम भी चाहिए, रिकॉग्निशन भी चाहिए, सब लोग मुझे आशीर्वाद दें, प्यार करें, पूरे हिंदुस्तान में मेरे लिए मालाएं पहनाएं, बुके दें मुझे और पूरा तालियां बजाएं, और पता नहीं जो भी एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी को, एक बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन को, एक बड़े बड़े नेताओं को जो सब कुछ सम्मान मिलता है वो मुझे भी मिलना चाहिए। बोला चलो ये भी दे दिया, अब कुछ तो बाकी नहीं है, जो मेरे पास था मैंने सब दे दिया, मेरा पिटारा खाली हो गया आशीर्वादों का, इतना आशीर्वाद दे दिया, अब क्या चाहिए? बोला एक और बचा है, क्या आप दे सकते हो? बोला बताओ, होगा मेरे पास तो मैं दूंगा, नहीं होगा तो मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर बताऊंगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब ये सामान सामान तो और लोग को भी मिलता है, सब कुछ, पैसा भी होता है, गाड़ी भी होता है, सब कुछ है। मैंने सुना है कि जो कोई बड़े लोग होते हैं सेलिब्रिटी, उनको कोई ना कोई कहीं ना कहीं कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, तो क्या आप वो आशीर्वाद भी मुझे दे सकते हो? तो बोला जय महाराज, अब मेरे पास पिटारा खाली हो गया है, मैं ये आशीर्वाद आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ एक रास्ता मैं बताता हूँ कि जो ये आपका इतना है ये मेरे बस का नहीं है, अब इन सब के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, आप सीधे भोपाल चले जाइए, वहाँ पे सुरेश जेवार जी हैं, सुरेश श्रीवास्तव जी हैं, आप उनसे जाके मिल लीजिए, ये जो भी आप चाहते हो पूरा का पूरा वहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है, उनके थ्रू आप ब्रह्मा विष्णु और महेश उनके पास चले जाइए। बोला ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर है, वो कहाँ लेके जाएंगे मुझे? बोला ऊपर वाले ब्रह्मा विष्णु नहीं, साक्षात ब्राह्मण में, साक्षात हिंदुस्तान में, भारत की धरती पे, दिल्ली के अंदर वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, MD है मिस्टर दीपक बाली जी, कन्वर जी और दीपक सूद जी, इनके पास चले जाओ, ये आपके ब्रह्मा विष्णु महेश है, आज की अवतार है इनका, और वहाँ ये लेके चले आएंगे, और आपको जो उनसे मिलोगे तो ये जो सब मैंने आशीर्वाद दिए हैं ये पूरे के पूरे आशीर्वाद वहाँ हो जाएंगे, और आपको वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी बना देंगे। ये फटाक से ट्रेन में बैठे भोपाल आ गए, भोपाल से दिल्ली आ गए, जब महर्षि हमारे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश से मुलाकात हुई, तीनों जो भी इन्होंने मांगा था पूरे आशीर्वाद इनको प्राप्त होने लगे, चालू होने लगा, और इनको वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया। दोस्तों ताली तो बजती इस बात पर। तो उन्होंने सब कुछ हो गया, तो एक बार बोला कि सर आपने इतना सब कुछ आशीर्वाद दे दिया मुझे, गुरु जी महासाधु महात्मा जी और ब्रह्मा विष्णु महेश से भी मिले, कि अब मुझे भी तो कुछ करना होगा, मैं क्या खाली ऐसे ही तो नहीं हो पाएगा? बोला आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप कुछ चीज़ें बता रहे हैं आप कर सकते हो क्या? बोला इतना सब कुछ दे रहे हो तो मैं थोड़ा बहुत नहीं कर सकता, आप बताओ, मैं तो पूरा कर दूंगा, जो बोलोगे वो करूंगा। बोला आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा बहुत ईजी काम बता रहा हूँ, बोलो बोलो आप। उन्होंने बोला कि आपको करना क्या है कि सीधे सुबह उठना है, आपको टूथपेस्ट करना है, वेस्टेज का ब्रश, कर सकते हो? कर सकते हैं आप लोग सब? यस। सुबह उठ के टूथपेस्ट करना, बोला ओके ये भी मैं कर लूँगा। सुबह बढ़िया सी चाय पीना है, वाइफ बना के पिला दे आपकी जीवन साथनी तो ठीक है, कभी वो नहीं उठे तो खुद बना के पी लो, कॉफ़ी बना के पी लो, बोला ये भी मैं कर लूँगा। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, वजन कम करना है तो स्लिमिंग शेक बना के पी लो नाश्ते में, बढ़ाना है तो प्रोटीन्स वगैरह हमारे पास बहुत से और से शेरोलैक और बहुत सारे अभी बेस्ट डील पे हमारे प्रोडक्ट हैं, वो ले लो तो आपका वजन भी बढ़ जाएगा। बोला ये भी मैं कर लूँगा, साथ में कुछ फूड सप्लीमेंट भी आप ले सकते हो,
नॉन भी ले सकते हो, स्पा लूना कुछ भी, जो भी आपको शरीर की जरूरत है, आपको स्वस्थ रहना है वो भी आप ले सकते हो। बोला ये भी हो गया गुरु जी, साधु जी महाराज जी बता दिए, ये भी मैं कर लूँगा। बस आपको करना कुछ नहीं, दोपहर में भी आपको यही लेना फूड सप्लीमेंट वगैरह, शाम को भी वो लेना है, और अपना स्वास्थ्य ठीक रखना, और अपने परिवार का भी, और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके परिचित हैं, उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। डेली कम से कम 5 लोग को आपको बताना है। क्या आप बता सकते हो? बोला 5 क्या, मैं तो रात और दिन एक कर दूंगा, जब मुझे इतना सब कुछ मिलने वाला है, इतना सब कुछ मिल रहा है, तो ये मेरे लिए तो कोई ज़रूरी बात नहीं है। बस आपको लोगों को बातचीत करना है, इन चीज़ों के बारे में बताना है, कंपनी का जो वेस्टिज का आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है उसके बारे में बताना है, कंपनी का प्लान बताना है, इससे जो इनकम आने वाली है वो बतानी है, सब कुछ वो बताना है। और ये सब कुछ आपको दिन में 3-4 बार करना है, पूरे हिंदुस्तान में जहां आपकी मर्जी पड़े वहां करना है। बोला ये भी मैं करूंगा, और उसके बाद आपको ये सब कुछ प्राप्त हो सकती है। और ज़्यादा करना कुछ नहीं, आपको कभी न कभी आपको एक आईडी जनरेट करनी है। ये सब करने से पहले साथ में आईडी जनरेट क्यों करना है, आईडी इसलिए जनरेट करना है कि आपका जब करोड़ों रुपए का बिजनेस होगा पर हिंदुस्तान में विदेशों में जाएगा, तो आपके सबका हिसाब लिखने बैठोगे वहाँ कि कहाँ पे कितनी सेल हुई क्या हुई। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कंपनी सब करेगी, आपको एक आईडी जनरेट हो जाएगी, जो आपके भोपाल के सुरेश जी है वो आपके करवा देंगे फॉर्म फिलअप करके। बोला ये हो गया, चलिए आगे बढ़िए, और क्या करना है। तो साथ में आपको करना कुछ नहीं है, जो लोग आपकी ज़िंदगी में आपके साथ में हैं उनको वैसी ज़िंदगी जो आप जी रहे हो उनको भी क्या आप वैसी ज़िंदगी दिलवा सकते हो। बोला यार जैसा मैं कर रहा हूँ यदि वो भी करेंगे तो उनको भी आशीर्वाद मिलेगा आपका, और जब आशीर्वाद मिलेगा तो उनके भी हो जाएगा, और पूरे हिंदुस्तान में मेरे जैसे कई लोग हो जाएंगे, और जब वो कई लोग हो जाएंगे तो नेचुरल है कि वो भी मेरी जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं, और उनका परिवार भी सुरक्षित सेफ हो सकता है। और साथ में आपको अपने ऊपर अच्छे से रहना है, अपनी लाइफ में चेंजेस लाना है। बोला वो कैसे? बढ़िया से कपड़े पहनना है, अच्छे बढ़िया सूट वूट पहनना है, अच्छे से बढ़िया से आपको मोबाइल लेना है, दो अच्छी कार में घूमना है, लग्जरी होटलों में ठहरना है, लग्जरी खाना खिलाना है, लोगों को खाना खिलाना है, और साथ में पूरा गोवा से लगा के बॉम्बे से लगा के पूरे हिंदुस्तान में ट्रेवल करना है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना है, ये आपको करना है। क्या ये आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, और बताइए कुछ रह गया हो तो। बोला बस वो यही आपको करना है, ये आपने कर लिया तो 100% आपका जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का आशीर्वाद मिलेगा, मेरा आशीर्वाद तो मैंने आपको पहले दे ही दिया है साथ में, और ये सब कुछ आपको करने का है। तो दोस्तों ये जो मैं कहानी सुना रहा था, इनकी लाइफ में सब कुछ परिवर्तन हो चुका है, ये बनारसी बाबू आपके और हमारे बीच के हैं, ये बॉम्बे के निवासी है। मैं नाम बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कितना नॉलेज हो, आप कितना उनको जानते हैं बनारसी बाबू को, तो आपको सबको उनके बारे में पता हो चुका है। दूसरा ये सब करने के साथ दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वॉरियर्स ग्रेविटी को। ये जो मेरी आज की कहानी है ये केवल उनकी कहानी नहीं है, ये आपकी भी कहानी हो सकती है, ये मेरी भी कहानी हो सकती है, ये हर व्यक्ति की हो सकती है जो वेस्टेज में आज ज्वाइन हो चुका है, उनकी ज़िंदगी में वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो हमारे बनारसी बाबू को मिला है। तो क्या आप ये सब कुछ करना चाहेंगे? लेकिन करना क्या, लगातार प्रयास करना है। प्रॉब्लम बहुत आती है, उनके जीवन में कितना परिवर्तन, कितना संघर्ष किया है, तब जाके आज वो सेटल हुए हैं, आज उनके लाइफ में उनके परिवार में खुशियों का माहौल है, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों इंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया से चश्मा लगा के घूमते, वो भी हीरो रहे, वो भी ब्रांड एम्बेसडर आज की डेट में बन चुके हैं दोस्तों। तो ऐसी ज़िंदगी आप भी चाहते हो तो थोड़ा शुरुआत में संघर्ष कर लो, मेहनत कर लो, लाख कितना भी प्रॉब्लम आए रुकना नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जो डटा रहता है वही सक्सेस होता है, जो इधर उधर देखता है वो सक्सेस कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये आज की कहानी है मेरी, मैं चाहता हूँ कि ये सब कहानी आपकी भी हो, क्योंकि वारियर्स आपने जो अपने ऊपर लगा रखा है, वारियर्स का मतलब था योद्धा, और योद्धा वो होता है जिसकी कोई कहानी हो, और जिसकी कोई कहानी नहीं है तो वो योद्धा है ही नहीं, वो नाम हटा लो अपने यहाँ से दोस्तों। वंस अगेन मैं वारियर्स मैनेजमेंट का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं पूरी होल मध्य प्रदेश टीम, पूरे महाराष्ट्र टीम, पूरी मेरी जो भी इंटायर टीम है मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो भी वारियर्स के सदस्य हैं उनको देना चाहता हूँ। और ये जो दोस्तों अभी जो नया साल आया है 2021 हमारा, ये हम लोग के लिए वरदान लेके आया है, और जिन लोगों ने अभी गोवा कॉन्क्लेव, मैंने फोटो देखे, मैं तो नहीं जा पाया था, लेकिन जो गोवा में आपने देखा क्या एक्साइटमेंट था, वही बना के रखना है पूरे साल भर तक, मैनेजमेंट के साथ में कंधे से कंधे मिला के रखना है। आपसे जितना बनता है उतना करिए,
जरूर नहीं कि ये आपको कभी लगता है, यार मुझे भी लगता है, मैं भी आपका ही हूँ, कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा है या मेरा कुछ मतलब रोल ही नहीं कहीं, मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जब आपने कहानी सुनी होगी ना, जब राम सेतु बन रहा था तो काफी बंदर जो वहां पे थे हनुमान जी के साथ में, उनके बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के लेके जा रहे थे, तो रख रहे थे वहां पे, एक छोटी सी गिलहरी थी, वो गिलहरी भी अपने मुंह में रख के एक छोटा रेत का टुकड़ा कितना ले जा सकती है, वो भी उठा उठा के, और वहां पे सेतु में जो उनका बांध बना था श्रीलंका जाने के लिए, उसको उठा उठा के वो डाल रही थी। तब जब वहां भगवान राम जी ने देखा, उसको पास प्यार से लेके आए, उसके सर पे हाथ फेरा, तो आज भी आपने देखा वो जो गिलहरी होती है उसके ऊपर लाइनिंग लगी रहती है। तो जब उनको बाकी लोगों ने बोला, यार हम लोग इतने इतने बड़े पत्थर उठा के जा रहे हैं, तो हमको तो भगवान जो है हमें तो आशीर्वाद दे नहीं रहे, और उस छोटी सी गिलहरी को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने राम जी ने बताया कि आप लोग तो सक्षम हो तो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये जो है सक्षम नहीं होने के बाद भी डाल रही है। तो उससे पूछा कि आप क्यों इतना परेशान हो रही हो गिलहरी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि जब इतिहास रचेंगे, जब लोग कहानियाँ सुनाएंगे, जब सुरेश श्रीवास्तव जी कहानी सुनाएंगे कोई बात की, तो मेरा नाम भी साथ में लेंगे, कि जो ब्रिज बना था उसमें जो बांध बना था उसमें बड़े बड़े महाबलियों के साथ साथ एक गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा योगदान भी देंगे ना, तो हम लोग जो हमारा 10,000 मिशन का जो टारगेट है, 10,000 करोड़ का टारगेट है, उसको ऐसे आसानी में पार कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, हम लोग 40-50 लाख लोग हैं वॉरियर्स के, एक एक आदमी भी, एक एक आदमी एक एक पीवी भी करे तो लाखों करोड़ों पीवी हो सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, सबको वापस मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और वापस वॉरियर्स मैनेजमेंट का धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासतौर पे जो लोगों ने भी मुझे आज सुना है उनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि अगली बार कोई अच्छी कहानी लेके मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बंद कर दूंगा।